नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। रुड़की हब आपके लिए कुछ खास लेकर आता है और आज भी कुछ खास ही लेकर आया है। मैं हूं नितिन कुमार और मेरे साथ है गौरव वत्स और हम बात करेंगे बैम्बू पाइन जो रुड़की में शायद नहीं है। और अगर आप रूप टेरिस देख लेंगे ना तो आप चौंक जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर इतनी सुविधाएँ हैं। क्यों बताऊँ, मैं गौरव जी से पूछूंगा क्या सुविधाएँ। गौरव जी बताएँ। धन्यवाद नितिन जी। देखिए रुड़की वासियों, हम आपके लिए एक शानदार रेस्टोरेंट आपको दिखाने वाले हैं। लाइव किचन का कॉन्सेप्ट रुड़की में पहला कॉन्सेप्ट है लाइव किचन, जहां आप अपने सामने बैठकर बनवा सकते हैं अपना खाना, अपने मनपसंद खाना। तो चलते हैं कि क्या है खास। और जो उसका टॉप पॉइंट है ना, जो रूफ, जिस रूफ पर वो है शानदार लाइटिंग के साथ, आप भी आनंद ले सकते हैं। चलिए नितिन जी देखते हैं। तो भैया अब आपको किचन सामने ही देखने को मिलेगा, क्योंकि गौरव जी ने कह दिया है कि लाइव किचन हम देखने वाले हैं। चलिए तो दोस्तों हम आ चुके हैं बैम्बू पाइन रूफ टेरिस पर और आप देख भी रहे होंगे। मुझे गौरव जी प्यास लग रही है। देखिए मॉकटेल काउंटर जो है ना, इतना शानदार लग रहा है और मेरे को, मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहा कि मैं क्या पीऊं। आप क्या पीएंगे? मैं भैया से पूछूंगा कि यहाँ के स्पेशल क्या है, मॉकटेल में स्पेशल क्या है। नितिन जी आप क्या लेंगे? मैं तो ये जो ब्लू वाला दिख रहा है ना वो लूंगा। आप जी भैया क्या पिलाने वाले हो? सर आपको ब्लू क्रॉन और स्ट्रॉबेरी क्रेस्ट, जो कि हमारे यहाँ का सबसे फेवरेट ड्रिंक है, जो कि अभी तक सब लोग लाइक है। काफी फेमस है यहाँ का। जी सर, तो बढ़िया सर बना दीजिए हमारे लिए, बना दीजिए। देखिए दोस्तों हम अब पीने वाले हैं मॉकटेल। मैं आज शायद पहली बार पी रहा हूँ। गौरव जी आप भी ले लीजिए। तो नितिन जी पी के देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। बिल्कुल गौरव जी, मॉकटेल रुड़की में, लेकिन लाइव किचन कॉन्सेप्ट हम दिखाने जा रहे हैं जो कि रुड़की में पहली बार है, और साथ ही आपको मॉकटेल का भी मजा आपको मिलने वाला है। और अगर आपने रुड़की में ये मजा नहीं लिया है तो आपको आ जाना है रामनगर होटल श्याम सागर के ऊपर, रूफ टेरिस में है बैम्बू पॉइंट, रूफटॉप पे बैम्बू पॉइंट, बहुत ही शानदार। और आप देखिए लाइटिंग कितनी शानदार है। अब आप गौरव जी बोलते रहे कुछ पियेंगे भी, मैं टेस्ट करके आपको। तो दोस्तों मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। अल्टीमेट गजब गजब टेस्ट है, बिल्कुल अल्टीमेट टेस्ट है। और अगर पी के आपको उसको थोड़ी सी आपकी थकान दूर होती है तो ये बुरा नहीं है। तो गौरव जी आप ये बताइए बैम्बू पॉइंट में आप क्या ऑर्डर करने वाले हैं मेरे लिए स्पेशल? जी देखिए बैम्बू पॉइंट में अभी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ और यहाँ की स्पेशलिटी क्या है वो मैं पहले मेन्यू देख लेता हूँ कि इस मेन्यू में क्या खास है, उसके बाद ऑर्डर करते हैं। क्यों नहीं दिन कैसे रहेगा? देखिए जल्दी यार, मुझे तो भूख लगी है ना। आप जल्दी देखिए आप क्या मंगा रहे हैं। और दोस्तों एक बात आपको बता दूँ, आपने रुड़की में पहली बार शायद ये नहीं देखा होगा कि लाइव किचन यहाँ पर मौजूद है, तो हमें बनता हुआ भी दिखाई देगा जो हम बनवा रहे हैं। तो गौरव जी जल्दी स्टार्ट कीजिए और मेन्यू कार्ड में आप देखिए क्या मंगवा रहे हैं। चल बिल्कुल नितिन जी, और लाइव किचन कॉन्सेप्ट मैं पहली बार अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ऑल ओवर इंडिया घूम चुका हूँ और ऐसा कॉन्सेप्ट मैं अपने शहर में, सबसे बड़ी खुशी की बात है नितिन जी कि रुड़की जैसे शहर में लाइव किचन का कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं, होटल श्याम सागर बैम्बू पाइन। तो रुड़की के लिए अच्छी बात है ना ये रुड़की के लिए अच्छी बात है कि यहाँ पर ऐसे रेस्टोरेंट भी खुल चुके हैं जो लाइव किचन, जिनके सामने किचन होता है, जो चीज़ें बनती हैं वो आपको सामने दिखाई देती हैं। तो जल्दी कर दीजिए। तो नितिन जी इस वक्त हमारे साथ जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं नमन सचदेवा जी, वो भी जुड़ चुके हैं। इन्हीं से जानेंगे कि इनके रेस्टोरेंट में ऐसा क्या खास है कि हम क्या खाएं, क्योंकि हम दोनों मेन्यू देख के कन्फ्यूज़ हो गए। इतने सारे ऑप्शन इसके अंदर है। मैं समझता हूँ गौरव जी, पहले तो ये पूछिए कि इनके मन में आया कैसे इतना अच्छा रेस्टोरेंट और ओपन किचन। बहुत सुंदर क्वेश्चन। नमन जी आपका रुड़की हब में स्वागत है, हमारा जो शो चलता है खाना खजाना, और आज बहुत ही यूनिक प्लेस में हम आए हैं रुड़की के, और लाइव किचन कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट टाइम अपने शहर में देख रहे हैं। तो ये आइडिया आपके दिमाग में कैसा है? गौरव जी नमस्कार और नितिन जी नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रतिष्ठान पर। बैम्बू पाइन रेस्टोरेंट मैंने इसका नाम रखा है अपने रेस्टोरेंट का, और होटल श्याम सागर इसके रूफटॉप पे मैंने इसको तैयार करा है। मेरा मेन जो मोटिव था रुड़की वालों को लाइव किचन, लाइव बारबेक्यू, कम्प्लीटली थीम बेस्ड रेस्टोरेंट, इसको हाँ जी बिल्कुल अलग,
और ये सब रुड़की वालों को दिखाना कि हाँ ये भी कुछ होता है। मेरा ये मोटिव था कि मैं इसको सन 2016 जब मैंने होटल ओपन किया था, जब होटल स्टार्ट किया था, तभी इसको लेके आऊँ, लेकिन कुछ कारणवश मैं नहीं स्टार्ट कर पाया। लेकिन अभी मेरे को मौका मिला है, लास्ट ईयर दिसंबर में मैंने 22 दिसंबर 2019 में इसकी ओपनिंग कर दी थी, और अभी तक के मेरे को रिस्पांस इसका ऐसा मिला है कि मैं बोलता हूँ कि मुझे फुर्सत नहीं मिलती बैठने। अरे भैया बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स, छोड़िए मुझे तो यहाँ की सुंदरता है जो देखिए, ग्रीन ग्रास भी आपने यहाँ लगाई है, प्लांट्स भी आपने यहाँ लगा दी हैं, तो और क्या चाहिए, प्राकृतिक सौंदर्य आपने। नमन जी जो डिजाइनिंग आपने करी है, ये आइडिया कहाँ से है, आपने कहीं तो गए होंगे ना आप। गौरव जी मैं सही बताऊँ, मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं करना चाहता, ये सारा कुछ मैंने खुद डिजाइन किया। अरे आपके दिमाग की उपज है रुड़की के लिए। मेरी ये रूफ पे पूरे होटल का जहाँ पे भी जितना भी स्क्रैप निकलता था सारा होटल के रूफ पे रहता था, और वो सारा स्क्रैप एरिया हटा के मैंने इसको प्रॉपरली रेस्टोरेंट डिजाइन किया। तो हमें क्या खास खिलाने वाले हैं नितिन जी? आप लोगों के लिए मैं स्पेशल बनवा रहा हूँ, मतलब मेन्यू में भी है ये, स्पेशल बनवा रहा हूँ इन द सेंस आप लोगों के लिए भी बनवा रहा हूँ। डिश का नाम है बैंकॉक पनीर। बैंकॉक? हाँ जी। बैंकॉक से तो नहीं आ रहा है? नहीं, नहीं, हमारे लाइव किचन है यहीं पे, आप देखिएगा अभी बनते हुए। पहली बार रुड़की में ये नाम सुना है बैंकॉक पनीर का, पर खाया भी नहीं। ऐसा इस बैंकॉक पनीर में ऐसा क्या खास होता है कि आपने इसको नाम बैंकॉक पनीर दिया है, ये बताइए। नितिन जी मेन इस चीज में, इस डिश में है गार्लिक जिंजर, इसका तड़का लग के कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया, मेन टेस्ट रहेगा उसका। अरे वाह, ठीक है जी। आप लोगों ने मंचूरियन जरूर खाया होगा, मंचूरियन में नॉर्मली चाइनीज सॉसेस का टेस्ट आता है, लेकिन चाइनीज सॉसेस के साथ साथ इसमें आपको ग्रीन कोरिएंडर का भी टेस्ट ऐड ऑन मिलेगा, और मेन जो टेस्ट रहेगा वो ग्रीन कोरिएंडर का ही है, और यही टेस्ट हर आदमी एग्जामिन नहीं कर पाता। ये यही टेस्ट यहाँ के मैंने देखा है। बिल्कुल जो हरी सब्जियाँ होती है उनका इस्तेमाल किया। तो नमन जी रोटी में क्या खिला रहे हैं, क्योंकि देखो अगर हम पनीर खाएंगे तो उसके साथ रोटी की जरूरत पड़ेगी, तो कौन सी रोटी हम खिलाने जा रहे हैं? रोटी में हम आपको ब्रेड्स में हम खिलाएंगे बटर नान, ये आउट ऑफ मेन्यू मैं आपको खिलाऊंगा। अच्छा, थोड़ा सा? हाँ जी, ये मेन्यू में नहीं है, ये ऑथेंटिक बटर नान जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर रुड़की में मैं मानता हूँ रुड़की में कोई सर्व नहीं करता। कस्टमर आएंगे तो फिर वो कैसे खाएंगे अगर आपके? वो हमारा दिली प्यारा कस्टमर से, हम कस्टमर अगर कोई भी डिमांड करते मतलब कायदे से हम भी उसको सजेस्ट करते हैं कि ये बटर नान आप ये लीजिए, लेकिन अगर कोई कस्टमर स्पेशली मांगता है तो हम मना नहीं करते, हम जरूर उसको सर्व करते हैं। तो सर हमारे लिए जल्दी कर दीजिए, सिर्फ 5 मिनट में। नमन जी एक चीज़ आपसे और पूछना चाहूँगा, ये जो लाइव किचन का कॉन्सेप्ट है, ये आइडिया कैसे है आपके? आप लोगों ने दिल्ली, गुड़गांव और बहुत बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे आप जरूर गए होंगे, लाइव ग्रिल किचन जरूर देखा होगा। जी जी, उस किचन को देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि जब मेरे पास जगह है, मैं ऐसा कंसेप्ट ला रहा हूँ, तो साथ ही इसमें हम लाइव किचन क्यों नहीं ऐड कर सकते, तो यही दिमाग को में रखते हुए मैंने लाइव किचन को ऐड किया। क्योंकि कुछ अलग दिया है नितिन जी, जनरली हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार कि खाना किचन में कैसा बन रहा होगा, क्या साफ सफाई होगी, कौन आदमी उसे बना रहा होगा, लेकिन इन सब चीजों को पीछे छोड़कर नमन जी ने लाइव किचन का कॉन्सेप्ट रुड़की को दिया है। भैया हम वो भी दिखाएंगे ना कि कैसे बन रहा है यहाँ पर खाना, और जो आप ऑर्डर करना चाहते हैं वो चाहे स्नैक्स हो और चाहे खाना हो, वो कैसे बनता है आप लाइव देख सकते हैं दोस्तों। नमन जी शेफ कहाँ से हैं आपके यहाँ? मेरे पास जो शेफ है, एक है जिला चमोली से और एक है डायरेक्ट हैदराबाद से। डायरेक्ट हैदराबाद से मेरा कॉन्टैक्ट कुछ मिला था, मैंने इनको बुलाया। तो बिरयानी का कॉन्सेप्ट भी है क्या, क्योंकि हैदराबाद बिरयानी का है, बिरयानी का भी चल रहा है दिमाग में, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मटका बिरयानी, दम बिरयानी और बहुत सी बिरयानी है जिसका सारे लिस्ट मेरे पास बनी हुई है, और जल्दी मैं रुड़की में डालने वाला हूँ। क्योंकि रुड़की में हैदराबाद का नाम आते ही लोग बात सोचते हैं कि भाई बिरयानी, क्योंकि हैदराबाद की बिरयानी ज़्यादा फेमस है, और बिरयानी रुड़की में है भी नहीं। देखो आपको हम रुड़की में खाना खजाना शो करते रहते हैं, तो इतने रेस्टोरेंट नहीं है बिरयानी के, तो क्या आप प्रोवाइड कराएंगे रुड़की वालों को? बिल्कुल कराएंगे, जल्दी मैं इसको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ रुड़की वासियों को। और तो रुड़की वालों, बिरयानी भी आपको यहीं पर मिलने वाली है, और देखो खाना तो लजीज बैंकॉक पनीर आपने भी नहीं सुना होगा, हम वो खा के ही बताएंगे क्यों नहीं कैसा। मैंने भी नहीं सुना, आज पहली बार खाऊंगा और टेस्ट भी आपको बताऊंगा, तो देखते हैं कि क्या कैसा होता है बैंकॉक पनीर।
तो नितिन जी हमारे लिए हमारे जो भैया ने ऑर्डर कराया था, नमन भैया ने, वो आ चुका है। तो अब आप टेस्ट करके बताइए कैसा लग रहा है। वो तो मैं देख रहा हूँ गौरव जी, इसका तो कलर भी अलग ही है। नमन भैया, इसका तो कलर ही हमें कुछ अलग लग रहा है। अभी तो इसका टेस्ट भी आप देखेंगे, आप कहेंगे ये भैया बनाया कैसा है, आप मुझे पैक करके दे दो, मुझे घर लेके जाना है। ऐसा मत कहो, घर पे वाइफ इंतजार कर रही है, फिर उसे पैक कर लेना पड़ेगा। तो चलिए चखते हैं। गौरव जी लीजिए, सर्व करिए, मुझे थोड़ा सर्व कर दीजिए आप भी। मैं चेक करवाता हूँ कि कैसा है। नमन भैया आप नहीं खाएंगे क्या? ये इधर रख देंगे, क्योंकि भैया का रेस्टोरेंट तो रोज करते हैं, आज हम टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। देखिए कितने अच्छे तरीके से सजा के लाए हैं बेटे साहब हमारे। नितिन जी जरा आप टेस्ट करके बताइए कैसा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप रख दीजिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा है। तो दोस्तों देखते हैं कि कैसा है। अमेजिंग, वाकई गौरव जी ये तो मजा आ गया। हम मंचूरियन खाते हैं ना, मंचूरियन ग्रेवी वाला होता है, लेकिन ये ड्राई है और टेस्ट इसका अमेजिंग है जी। बैंकॉक पनीर, गजब। नमन भैया ने पहली बार रुड़की के लिए इंट्रोड्यूस किया है बैंकॉक पनीर, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन जी से कहूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखा दें कि कैसा है। वाकई बहुत ही अच्छा। नितिन कैसा लगा टेस्ट, आप ईमानदार से बताइए। मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं ओढ़ लेने वाला हूँ गौरव जी, पहले मुझे खा लेने दीजिए, मजा आ रहा है। नमन जी क्या डालते हैं इसमें, क्या क्या रेसिपी है, कुछ बता देंगे रुड़की वालों को। गौरव भैया मेन मैंने आपको जैसे अभी बताया कि इसके अंदर मेन जो आपको कलर भी दिख रहा होगा हल्का हल्का डार्क ग्रीन दिख रहा होगा। जी 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 बिल्कुल, देखिए कोरिएंडर की प्रॉपर ड्रेसिंग है इसमें, प्रॉपर जो इसके अंदर गार्लिक सॉस बनती है उसमें कोरिएंडर और ऐड किया गया है। जैसे आप चिली पनीर खाते हैं या मंचूरियन खाते हैं उसमें नॉर्मल गार्लिक सॉस चलती है, इसमें गार्लिक सॉस के साथ साथ हमने कोरिएंडर सॉस बना के वो ऐड करी है। तो मेन जो फ्लेवर है इसका वो कोरिएंडर, जो खुशबू है जो टेस्ट आ रहा वो हरे धनिया का ही है। अरे वाह बहुत बढ़िया। लेकिन नमन भैया ने हमें ऐसी डिश खिलाई है, क्योंकि मैंने रुड़की में अभी किसी रेस्टोरेंट में ये डिश नहीं खाई। आपने खाई है क्या नितिन जी? नहीं, बैंकॉक पनीर आपने खाया है? अगर आपने खाया तो हमें कमेंट करके बताइए कि और किस रेस्टोरेंट में आपने बैंकॉक पनीर खाया है। और नहीं खाया तो आ जाइए बैम्बो पाइल रूप टेरिस पर। देखिए शानदार गेटअप, मैं दिखवा देता हूँ आपको कितना शानदार। और देखिए शाम का समय है, शानदार माहौल है, शानदार लाइट है। अलग ही गौरव जी, सबसे अच्छी बात शांति के साथ आप यहाँ पर अपना जो सबसे अच्छी बात शांति के साथ, देखो कितनी अच्छी बात कही है। अगर आप थके आ रहे हैं, काम से थक चुके हैं या किसी टेंशन में, उसको दूर करना है तो चले आइए बैम्बो पाइन पर। तो यह रुड़की हमने दिखाना जरूरी समझा, क्योंकि ये रुड़की के लिए कुछ खास है दोस्तों। कुछ कस्टमरों से भी जान लेते हैं कि कैसा खाना मिलता है। हमने तो खा लिया, क्या पता भैया ने हमारे लिए अच्छा बनवाया, क्योंकि हम छूट करें हमारे लिए कुछ अच्छा बना। कस्टमर से पूछ लेते हैं ना, क्यों जोन भैया? गौरव भैया जब तक के कस्टमर का फीडबैक ना मिले तो काम करना बेकार। कस्टमर का फीडबैक अच्छा हो तो हमारे को अच्छा लगता है, हमें लगता है कि हाँ हमारा काम करना सफल रहा। जी जी, हमारे पास मैं आपको जैसे बताया कि मुझे फुर्सत नहीं थी काम की, मेरे पास रश रहता था और बढ़िया काम रहा। अच्छा नमन भैया एक चीज़ और बताइए, जैसे अभी लॉकडाउन लगा तो कुछ तो फर्क आपके काम में ही पड़ा होगा, ऑब्वियसली सब पे पड़ रहा है, कितना फर्क आया लॉकडाउन से? सिर्फ मेरे को क्या, हर फील्ड में फर्क पड़ा है, हर काम पे फर्क पड़ा है, सर सभी व्यापार में फर्क पड़ा है। बिल्कुल हर तरह के व्यापार पे हर व्यक्ति को फर्क पड़ा है, बिल्कुल सही बात। लेकिन अब तो थोड़ा मार्केट उठा है, सीढ़ी चढ़ी रहे आदमी। लॉकडाउन 5 में सरकार ने जो छूट दी है आप उनमें रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। तो चलिए हम कस्टमरों से जानते हैं कि उनको यहाँ का टेस्ट कैसा लगता है। बैम्बो पाइन होटल श्याम सागर रामनगर जी, सबसे महत्वपूर्ण राय होगी क्योंकि हमें तो अच्छा खिलाया है, उन्हें क्या खिलाया उन्हें भी देखते हैं ना। चलिए तो अब हम आ चुके हैं कस्टमर के पास जो रेस्टोरेंट में आते जाते रहते हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस रेस्टोरेंट का खाना कैसा है, टेस्ट कैसा है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष है जी। मैम क्या नाम है आपका? कनकलता। कब से आ रहे हैं सर आप यहाँ? नहीं हम तो है आउट ऑफ उत्तराखंड है, बिहार से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं हर साल आता हूँ और लगभग 1-10 दिन यहाँ पे रहता हूँ। अच्छा, इसी होटल में रहता हूँ और लगभग 3 साल हो सही, 3रा साल है। खाना कैसा लगता है यहाँ का ये बताइए। एकदम हाइजीनिक फूड है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मतलब
ये सेफ, आप अभी जो आज के डेट में जो हेल्थ को लेके इतना इश्यूज है, कोरोना को लेके इतना इश्यूज है, इसको लेके हेल्थ एंड हाइजीन सैनिटाइजेशन सेफ्टी पे बहुत ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया हुआ है। आपकी पसंदीदा डिश क्या है कि आप होटल श्याम सागर जाना है, बेम्बो पाइन पे जाना है तो आपको वो डिश खानी है, वो क्या है? लास्ट ईयर तो मैं आया था तो ये ऊपर वाला नहीं कंप्लीट हुआ था, अक्टूबर में इस साल आया तो हुआ। मैं तो चिकन चिली काफ़ी पसंद करता हूँ, चिकन चिली या बटर नान मैं यहाँ पे। मैडम आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे भी चिकन चिली यहाँ पर। चलो तो दर्शकों को, हमारे इन कस्टमर ने तो इस रेस्टोरेंट को पास कर दिया, चलते हैं हम दूसरे कस्टमर के पास। तो अब हम आ चुके हैं दूसरी टेबल पर और जानते हैं इन शख्स से कि ये यहाँ पर क्या खा रहे हैं, उनको यहाँ पर क्या चलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज प्रकाश नेगी है। कब से आ रहे हो यहाँ पर? आई थिंक यहाँ सेकेंड टाइम आ रहा हूँ। क्या अच्छा लगता है इस रेस्टोरेंट? यहाँ का इस रेस्टोरेंट की जो मुझे एक सबसे खास बात लगी वो ये है कि रुड़की के अंदर मैं समझता हूँ कि ओपन किचन किसी होटल के अंदर और किसी रेस्टोरेंट के अंदर आपको ओपन किचन नहीं मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप बैठकर एक प्राकृतिक हवा का भी आनंद ले सकते हैं। और जो इसकी बेम्बो पाइन की तीसरी चीज़ है वो यह है कि यहाँ पर जो इन्होंने थीम रखी है वो थीम यहाँ की एक प्राकृतिक सौंदर्यीकरण से मिलती है। मैं समझता हूँ कि डिनर के लिए इससे बेस्ट प्लेस रुड़की के अंदर कोई नहीं है। तो देखिए दर्शकों, डिनर के लिए इससे बेस्ट थीम कोई नहीं है। टेस्ट कैसा है आने के लिए ये बताइए। टेस्ट देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरा अंदाज है, जहाँ तक मेरा मानना है कि इससे बेस्ट टेस्ट मैं नहीं मानता। मैं जब भी आता हूँ यहाँ, या पनीर बटर मसाला हो गया, बैंकॉक पनीर हो गया, मंचूरियन हो गया, सबसे अच्छी चीज़ रुड़की के लिए बेम्बो पाइन इज़ द बेस्ट। बेम्बो पाइन रुड़की के लिए इज़ द बेस्ट नेगी जी ने कहा है, इन्होंने बताया है। तो दर्शकों अगर आप अभी नहीं आए हैं तो एड्रेस क्या है नेगी जी यहाँ का? यहाँ का रामनगर चौक पे जब आएंगे तो उससे मैं मानता हूँ ज़्यादा 70 या 80 मीटर्स आप जब वैशाली मंडप की तरफ चलेंगे तो श्याम सागर होटल है। श्याम सागर के जो टेरिस पर इन्होंने कितना अच्छा बेम्बो पाइन डेवलप करा है, मैं समझता हूँ रुड़की के अंदर ये पहली बार। तो दर्शकों देखो, हमने एड्रेस भी कस्टमर से पूछ लिया है और अगर आपको नहीं पता है तो आप चले आइए रामनगर, थोड़ा सा आगे आके होटल श्याम सागर के ऊपर बेम्बो पाइन है, रूफ टूफ रेस्टोरेंट, रुड़की का पहला लाइव किचन कॉन्सेप्ट। तो अब हम आ चुके हैं लाइव किचन के कॉन्सेप्ट पे, बिल्कुल किचन पर ही लाइव, और यहाँ पर कुछ कस्टमर भी खड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर कुछ पैक करा रहे हैं। क्या पैक करा रहे हैं भैया? क्या नाम है आपका? अमन। क्या पैक करा रहे हैं आप यहाँ पर? फिश करी। फिश करी, क्या कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं सर पिछले एक साल से आ रहा हूँ भैया के पास। कैसा लगता है? बहुत टेस्टी खाना है, बहुत टेस्टी नॉन वेज है, जो शेफ साफ हैं, बहुत लाइट और बिल्कुल घर की तरह बना के देते हैं। खासियत क्या है यहाँ की, स्पेशली क्या है? सर एक तो खाना खाने के बाद हैवी नहीं लगता बिल्कुल भी। अच्छा। और अगर जैसा आप शेफ को बोलोगे बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बना के देगा। जो टेस्ट आपको चाहिए वो टेस्ट आपको मिल जाता है? बिल्कुल सर। आपका क्या नाम है भैया? मेरा मृदुल नाम है। अच्छा जी। कब से आ रहे हो मृदुल भैया यहाँ पर? मैं अराउंड 2 years ago से मैं रेगुलर आ रहा हूँ, हर वीकेंड्स पे यहीं पर आता हूँ, बिकॉज दे प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ फूड इन ऑल ओवर द स्टेट। व्हिच इज द फेवरेट डिश ऑफ? माय फेवरेट डिश इज कढ़ाई पनीर एंड दाल मखनी ओवर हियर, इट इज वेरी ऑसम। वेरी ऑसम। तो दर्शकों आपने देख लिया कि वेरी ऑसम दाल मखनी, और ये 15 कब से आ रहे हैं? मैं आई एम लाइक 2 years ago रेगुलर कस्टमर हुए। 2 साल से भैया यहाँ पर आ रहे हैं। और वीकेंड आई एम ओनली हियर, ओनली एवरी वीकेंड वी एंजॉय हियर। हर वीकेंड पे यहाँ पर आ रहे हैं? अकेले आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं? विद माय फ्रेंड्स आल्सो, विद माय फैमिली आल्सो। दे प्रोवाइड अस लाइव म्यूजिक एंड लाइव किचन, इट प्रोवाइड्स मी वेरी एंथुसियास्टिक। कहीं और पर देखा है आपने लाइव किचन कॉन्सेप्ट? नो, इन रुड़की देयर इज नो लाइव किचन कॉन्सेप्ट, बट इन श्याम सागर आई मस्ट से इट्स बेस्ट। तो देखिए दर्शकों, केवल श्याम सागर में ही लाइव किचन का कॉन्सेप्ट है, और अगर आप नहीं आए हैं तो आप भी यहाँ चले आइए जल्दी से। तो होटल श्याम सागर, जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा, और क्या क्या यहाँ पर खास है वो जानते हैं यहाँ के ओनर नमन सचदेव जी से। नमन जी, और आपके होटल में क्या है, क्या फैसिलिटी है रुड़की की जनता के लिए? गौरव भैया, हमारे होटल में रूम्स भी अवेलेबल हैं, और बैंक्वेट भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, और एक कवर्ड रेस्टोरेंट भी है, और 52 कवरिंग का रेस्टोरेंट है मेरा सेपरेट। शादियां आने वाली हैं तो कितने लोगों का अरेंजमेंट आपके होटल में हो जाता है? मेरे यहाँ 150 से 200 तक आराम से हो सकता है, आराम से जाता है। बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉकटेल्स वॉकटेल्स सब कुछ होती है। रेट आपके ज़्यादा है या फिर जेन्युइन है? भैया रेट्स हमारे उस अकॉर्डिंग है जिस अकॉर्डिंग मैं क्वालिटी सर्व कर रहा हूँ। लगभग आपके एक प्लेट नॉर्मल आदमी के लिए कितने की पड़ जाती है? मेरे यहाँ 550 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग? हाँ जी। और वो पहुँचने तक के आप जितना मर्जी ऊपर पहुँचा सकते हैं।
और डेकोरेशन में आप सब देते हैं? हाँ, डेकोरेशन सब कुछ है, डीजे भी अवेलेबल है, हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, आउटडोर केटरिंग भी अवेलेबल है मेरे पास। अच्छा, रूम्स जो आपके यहाँ ओयो के थ्रू है या नहीं? कैसे? ओयो नहीं, आपके यहाँ आप आइए और वॉक इन ज्यादा प्रेफर करते हैं। मेरे पास सिक्स रूम्स है, सिर्फ सिक्स रूम भी रुड़की वालों, अगर आपको आपके कोई गेस्ट बाहर से आते हैं और आपके गेस्ट आपको वहाँ रुकवाने हैं तो यहाँ पर रूम भी अवेलेबल है। तो खाना खजाना देखते रहिए हमारे साथ, और मैं नितिन कुमार के साथ अब आप सब चाहूँगा इजाज़त। नमस्कार।